टॉप न्यूज आपके लिए लाता है सच्ची, साफ और निष्पक्ष खबरें। हम इस कार्य को हमेशा करते रहें, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज हमें सहयोग करें, हमारी खबरों के विषय में हमें अपनी अमूल्य राय जरूर दें। अगर आप टॉप न्यूज को मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तुरंत। कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे ना छूट पाए। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो पीसी में मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दें। अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सच हर कीमत पर। टॉप न्यूज से पत्रकार जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8445122112 पर संपर्क करें। हम देंगे एक प्लेटफॉर्म आपको नेशनल लेवल पर आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका। चाइनीज सामान के खरीद व बेचने को लेकर आज सोनभद्र में किया गया प्रदर्शन। सोनभद्र नगर में मुख्य चौराहे पर शुक्रवार की शाम को भीड़ कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हुए होली जलाई। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे विश्व हिंदू परिषद के रैनपुर जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा, सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए हम सबको चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, ताकि उन्हें हमारी एकता और अखंडता का एहसास हो सके। प्रखंड महामंत्री सज्जन अग्रवाल ने उपस्थित जन समुदाय से अपील की कि वे जन चीन में निर्मित सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। हमारे द्वारा वहां के प्रोडक्ट खरीदने से वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और हमें ही आंखें दिखा रहा है, इसलिए हम सभी को चाइनीज प्रोडक्टों का बहिष्कार करना चाहिए। इस मौके पर काफी मात्रा में विश्व हिंदू परिषद के लोग मौजूद थे। उस ऊंचाई पर परम बाबा की प्राप्ति कराने के